Hey guys, my name is Sandeep Keshwani, Faculty of English. आप देख रहे हैं मेरे साथ One Word Substitutions. मेरे प्यारे साथियों, One Word Substitution की ये particular class आप सभी students को top 40 substitutions याद कराने वाली. ये top 40 ऐसे substitutions हैं जो आपके exam में बार बार repeat होते हैं या तो कुछ के exam में आने की possibility है. कोई सभी exam हो, अगर उसमें substitution आता है तो आपके इनमें से questions आने की possibility काफी ज्यादा बनती है. ये सेशन में सब्स्टिट्यूशंस को मैंने एग्जाम के फॉर्मेट में रखा है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे. ऑप्शंस भी दिए होंगे, एक टॉपिक क्वेश्चन, उसके फोर ऑप्शंस, उन फोर ऑप्शंस भी आपके सब्स्टिट्यूशंस के ही पार्ट है, तो फिर उसके बाद उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा. तो सेशन को बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से फोकस करते हुए कोशिश करिए कि आप इन टॉप 40 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खुद को हेड कर लेता हूँ सो दैट आपको पूरी पूरी स्लाइड दिखे और टाइमर प्रॉपर तरीके से चलता हुआ दिखे. सबसे पहला क्वेश्चन, टाइमर चल चुका है, फटाफट जवाब दीजिए. क्या हो रहा चाहिए? वन हु लव्स बुक्स, क्या कहते हैं उसको? क्विकली टेन सेकेंड्स लेफ्ट, क्विकली. Time's up guys. So one who loves books, जो किताबों से प्यार करता है, जिसको किताबों से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है, उसको हम कहते हैं बिब्लियोफाइल. जी हाँ, उसे हिंदी में पुस्तक प्रेमी कहते हैं. किताबों से प्यार करने वाला, जिसको आप किताबी कीड़ा कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में बिब्लियोफाइल और हिंदी में पुस्तक प्रेमी कहते हैं. अब बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो अगला ऑप्शन है वो अगला ऑप्शन है अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, उसे हम कहते हैं एपिलॉग. एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार. ये भी आपका इसी सभी के सभी ऑप्शंस भी सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है. कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, उसे हम फैटल कहते हैं, घातक जिसे आप कहेंगे. और अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के ग्रुप को हम बेवी कहते हैं. बेवी का मतलब हो गया स्त्रियों का दल. तो ये रहे फोर सब्स्टिट्यूशंस जिसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनाया हमने. कभी एग्जाम में वन हु लव्स बुक्स पूछा जाता है, तो कभी एग्जाम में अ शॉर्ट पोएम ऑफ और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा पूछा जाएगा. कभी आपको उसे पूछा जाएगा कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, तो कभी पूछा जाएगा अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स. तो मेरे प्यारे साथियों, हर एक ऑप्शन को भी अच्छे तरीके से आपको सीखना जानना बहुत जरूरी है. बाय द वे, क्वेश्चन था वन हु लव्स बुक्स, उसका जवाब बिब्लियोफाइल काफी बच्चों ने दिया, बिल्कुल सही जवाब था, शाबाश. चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हे ओबी है, टाइम्स ऑफ गाइस. सो बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, उस प्रकार के बिलीव को हम क्या कहते हैं? बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, उसे हम कहते हैं पैसिफिज्म यानी शांतिवाद. जी हाँ, उसे हम कहते हैं पैसिफिज्म यानी कि शांतिवाद. आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा. बाकी ऑप्शंस की बात करें तो अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, उसको हम डाइक कहते हैं, तटबंध कहते हैं. तट को बांधने वाला तटबंध, दैट इज डाइक, यानी ये है इसका आंसर. अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, जो आई साइट को टेस्ट करता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी दृष्टि मितिज्ञ. और अंतिम है कॉमर्स, दिस इज कमेंसमेंट और एडजेसेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, उसे हम कहेंगे एलिटरेशन यानी कि अनुप्रास. दिस इज एलिटरेशन, एलिटरेशन उसको कहते हैं यानी कि अनुप्रास. तो ये हो गए आपके बाकी के ऑप्शंस के लिए सब्स्टिट्यूशंस. और करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी पैसिफिज्म, जो पैसिफिज्म यानी कि शांतिवाद. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ विद 30 सेकंड टाइमर्स एंड हियर वी आर. बहुत ही सिंपल सा है, जवाब दीजिए फटाफट.
5 seconds left. Time's up, guys. One who walks in sleep, जो नींद में चलता है, टहलता है, नींद में है फिर भी चले जा रहा है, उसके कदम उसको आगे लिए चले जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं सोमनैम्बुलिज्म, निंद्राचारी. One who walks in sleep को हम कहते हैं सोमनैम्बुलिज्म. हालांकि ये सोमना जो वर्ड है ये एक रूट है जिसका मतलब होता है स्लीप. तो अगर आपको ये सोमना पता रहा होगा तो आपको इसमें से फाइंड करना काफी आसान हो गया होगा. बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो CRACY ये भी एक रूट है जो गवर्नमेंट को बताती है. तो ये गवर्नमेंट का रूट हो गया और सोमना जो वर्ड है ये नींद का रूट हो गया. आइए बाकी ऑप्शंस की बात करें. अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं हिंदी में नौकरशाही. और वेरी बैड मॉरल्स, करेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डिजेनरेशन, उसे हम डिप्रेव्ड कहते हैं, चरित्रहीनता. और उसके बाद अगला वर्ड है बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्बाउंड फॉर ब्यूरियल, उसे हम ममी कहते हैं, पुराना परिरक्षित शव, जो पुराने समय से काफी टाइम से उस पर कुछ क्रीम व्रीम मरहम वरहम कुछ लगा के उसकी किसी की डेड बॉडी को रखा गया है, वो डेड बॉडी काफी टाइम बाद क्या कहलाती है, ममी कहते हैं, है ना, किसी का भी. तो इस टाइप से हमारा ये हो गए बाकी ऑप्शंस की मीनिंग. एंड करेक्ट आंसर फॉर वन हु वॉक्स इन स्लीप इज सोमनैम्बुलिज्म. जी हाँ. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि टोटल 12 सब्स्टिट्यूशंस हो चुके हैं. देखिए नंबर भी यहाँ पे बढ़ रहा है. नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें अगेन 4 सब्स्टिट्यूशंस मिलेंगे. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 विद टाइमर. दिस इज द क्वेश्चन. Ten seconds left. Time's up, guys. Something which cannot be believed. कोई ऐसी चीज जिसका बिलीव नहीं किया जा सकता उसे हम कहते हैं incredible. Incredible का मतलब अविश्वसनीय, कि यार बिल्कुल से अविश्वसनीय है, इस पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा है, ऐसी बात उसने कह दी, that is incredible. तो आपके लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया. अ मेथड विच नेवर फेल्स, जो कभी भी मेथड ऐसा जो कभी भी फेल नहीं होता, हमेशा सटीक बैठता है, उसे हम इनफॉलिबल कहते हैं, अचूक मेथड. अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पे पक्षियों को रखा जाता है उन्हें हम एवियरी कहते हैं, पक्षीशाला. द अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज, उसे हम डिफेक्शन कहते हैं, धर्म त्याग. तो मेरे प्यारे साथियों, बाकी सारे ऑप्शंस के भी यहाँ पर मीनिंग देख लीजिए और साथ ही साथ दिए हुए क्वेश्चन का आंसर इनक्रेडिबल भी ले लीजिए. राइट, लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विद इट्स अ टाइमर. हियर वी हैव. Times up, guys. Treatment by means of exercise and massage. ऐसा treatment जो किसी साधन जो exercise और massage के through होता है, उसे हम कहते हैं physiotherapy. जी हाँ, उसे हम भौतिक चिकित्सा हिंदी में कहते हैं और English में physiotherapy कहते हैं. काफी अच्छा सा word है. बाकी options देखिए तो bitter and violent in words, someone or something, उसे हम diatribe कहेंगे, हिंदी में निंदा करना, criticize करना. Motion of head, hands, etc. as a mode of expression indicating attitude, that is gesture, हाव भाव. जैसे लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी से बात करते समय अपने हाथों को चलाते हैं, हाथों से इशारा कर करके समझाते हैं और बोलते भी रहते हैं, वो gesture है उनका. To be blazed against someone or something, that is prejudice. ठीक है, to be blazed नहीं, to be biased है. Biased होना, ठीक है, ये biased है, BIASED, ये biased है, ये आए कर लेना, ठीक है, to be biased against someone or something, किसी के against में biased होना, उसे हम कहेंगे prejudice होना, यानी पूर्वाग्रह होना. तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपके अगेन हो गए टॉप 4 substitutions, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन विद टाइमर. हियर वी हैव.
बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। टेन सेकेंड्स लेफ्ट। टाइम्स ऑफ गाइस, अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहोलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा आदमी जो कभी भी एल्कोहल नहीं लेता है, ड्रिंक नहीं करता, शराब नहीं पीता, उसे हम टीटोटॉलर कहते हैं। यानी कि मद्य त्यागी जो किसी भी प्रकार के शराब वाली एक्टिविटी में शामिल नहीं होता वो टीटोटॉलर होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में लीजिए, अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा टैंक जिसमें मछलियों को रखा जाता है उनको हम एक्वेरियम कहते हैं, मछली घर। आपने देखा होगा बहुत जगहों पे लोग अपने ऑफिस में या अपने केबिन में एक एक्वेरियम लगा के रखते हैं, शीशे का जार होता है, पानी भरा होता है, उसमें ऑक्सीजन आता जाता रहता है और मछलियां, रंग बिरंगी मछलियां होती हैं, उसी को हम एक्वेरियम कहते हैं। अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट स्पेशली दैट डिराइव्ड फ्रॉम फाइन फूड और ड्रिंक, उसको हम एपिक्योरियन कहते हैं, भोगवादी इंसान होता है वो इंसान जो सेंसुअल एंजॉयमेंट में इन्वॉल्व होता है। इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसमें नींद जिसको नहीं आती उसको इंसोम्निया होता है, यानी निंद्रा भाव, जिसको नींद नहीं आती उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, यानी निंद्रा ना आने की दिक्कत होती है, दैट इज इंसोम्निया। तो ये हो गए अगेन आपके टॉप फोर सब्स्टिट्यूशंस। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगला सब्स्टिट्यूशन टॉप फोर सब्स्टिट्यूशंस लेते हैं विद टाइमर। हियर वी हैव फाइव सेकेंड्स लेफ्ट। टाइम्स ऑफ गाइस, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में, खुद के बारे में बहुत ही हाई ओपिनियन रखना, उसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट। नहीं, फेमिनिस्ट नहीं कहते भाई, फेमिनिस्ट तो जो महिला सपोर्टर होता है उसको कहते हैं, आपको इसको हम कहेंगे कंसीटेड, यानी अहंकारी कहते हैं। फेमिनिस्ट तो उसको कहते हैं वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स, जो महिला सपोर्टर होता है, हर फील्ड में महिलाओं को सपोर्ट करता है, उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं, महिलावादी कहते हैं। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, स्पेशली नॉट इन चर्चयार्ड, उसको सेमेट्री कहते हैं, हिंदी में कब्रिस्तान कहलाता है। और अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखता है चीजों के, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी। तो ये हो गए सारे के सारे ऑप्शंस और उनकी मीनिंग। करेक्ट आंसर आपके लिए हो गया कंसीटेड, दैट इज अहंकारी। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विद टाइमर। हियर वी हैव टेन सेकेंड्स लेफ्ट, क्विकली। टाइम्स ऑफ गाइस, एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों मोमेंटस, हिंदी में महत्वपूर्ण कहते हैं, यानी एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस को मोमेंटस कहते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण। गवर्नमेंट बाय रूलर Who has unlimited power, उसको हम autocracy कहते हैं, एक तंत्र होता है, autocracy है। One who journeys from place to place, जो एक जगह से दूसरे जगह को journey करता है, उसको हम itinerant कहते हैं, भ्रमणकारी। That which cannot be called back, that is irrevocable, that is utter। तो मेरे प्यारे साथियों ये हो गए अगेन आपके टॉप फोर substitutions, 32 तक हम पहुंच चुके हैं। So next slide लेते हैं with the other substitutions with time out, here we are। Times of guys, a person who is in his 70s, एक ऐसा इंसान जो अपने 70s में है,
सत्तरवे साल के आसपास है, उसको हम कहते हैं सेप्टाजुनेरियन। सेप्टाजुनेरियन ये रहा आपके लिए सबसे नीचे वाला, अ पर्सन हु इज इन हिज 70s, उसको हम कहते हैं सेप्टुजेनेरियन। सेप्टुजेनेरियन ठीक है, यानी 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य जो होता है। बाकी ऑप्शंस की बात कर लीजिए तो द स्टेट ऑफ बीइंग माइजरेबल बेरिफ्ट डिप्राइव्ड और लैकिंग ऑफ ऑल पोजेशंस, उसको हम डेस्टिट्यूट कहते हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब निराश्रय या अभागा, बेचारा, जो भी कह लीजिए। अगला है अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच एन हाईली एग्जैजरेटेड मैनर टू कॉज अ लाफ्टर, उसे कहते हैं कैरिकेचर, मतलब हास्य चित्र, मजाकिया टाइप का चित्र। और अगला है बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज में भगवान है और हर चीज भगवान है, है ना, तो उसको हम कहते हैं पैंथेइज्म, यानी कि सर्वेश्वरवादी। तो ये हो गए आपके लिए सब्स्टिट्यूशंस के फोर वर्ड्स, फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस। अगली स्लाइड लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हियर वी हैव नेक्स्ट, फाइव सेकेंड्स लेफ्ट, क्विकली। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहेंगे, क्या एंटोमोलॉजी कहेंगे, रेवेले कहेंगे, निल कहेंगे या बेगर्ड कहेंगे? जी हाँ, उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, क्योंकि LOGY जो है ये एक रूट है स्टडी का। तो मैक्सिमम वर्ड्स जो स्टडी से रिलेटेड है उसमें LOGY, लॉजी जरूर रहता है, कीट विज्ञान हिंदी में कहेंगे। बाकी ऑप्शंस देखिए, मिलिट्री वॉकिंग ऑफ सिग्नल्स, वेकिंग ऑफ सिग्नल्स इन द मॉर्निंग, सुबह जगाने वाला जो मिलिट्री का सिग्नल, उसको हम रेवेले कहते हैं, जागरण संकेत। द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, फ्यूनरल बेल का जो साउंड होता है उसको हम निल कहते हैं, घंटा बजाकर मृत्यु की सूचना देना। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू, उसको हम बेगट कहते हैं, कट्टर हिंदी में कहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हो गए आपके पूरे टॉप 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये टॉप 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके कंप्लीट हुए। क्विज के फॉर्मेट में इंटरेक्टिव बनाने के लिए इस टाइप से इसको डिजाइन किया गया, जिससे आपको एग्जाम में पूछे गए पैटर्न का फील मिल सके। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आप यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं। अगर आप अनअकैडमी की क्लासेस का को भी ऐड कर लेते हैं इन क्लासेस के साथ, तो 100% सक्सेस आपको इसी साल मिलने वाली है। इसके लिए आपको करना क्या है, मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पे फॉलो करना है, और साथ ही साथ आपको मेरे कंप्लीट बैच, जिसमें पूरी ग्रामर, पूरी की पूरी वोकैबुलरी एंड पूरा का पूरा रीडिंग पार्ट सिखाऊंगा मैं। आखिरी मौका है, जाने मत दीजिए, रेफरल कोड संदीप12 लगा के सब्सक्रिप्शन लीजिए। क्या क्या चीज आपको मिलने वाला है इस सेशन में, इस सेशन में आपको डाउट सेशन की क्लासेस अलग से मिलती है, PDF हर एक सेशन का मिलता है, और एक ऐसे स्टडी ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है जहां पे सारे पेड स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच होता है जो आपको सिखाया जाएगा। प्रैक्टिस सेशन हम कराते हैं हर टॉपिक का, हम वर्कशीट आपको सोल्यूशन के साथ देते हैं, और प्रीलिम्स से मेंस तक आपको साथ में रखेंगे। स्पीड टेस्ट अलग से मिलता है, प्रीवियस ईयर सेट का डिस्कशन भी होता है, और पर्सनल गाइडेंस में आप मेरे रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीज़ें हैं, केवल एक सब्सक्रिप्शन संदीप12 से लेना, सिंगल सब्सक्रिप्शन, ऑल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, और वो भी किसी भी फैकल्टी से। जी हाँ, ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS, कोई भी सब्जेक्ट, YouTube की किसी भी अपनी पसंद की फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं। दिस इज दी अपॉर्चुनिटी गिवन बाय अनअकैडमी कि आप अपनी पसंद की फैकल्टी से आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। रेफरल कोड संदीप12 लगा के सब्सक्रिप्शन लेने पे 10% ऑफ भी होगा, और सारे के सारे टॉप के एजुकेटर्स भी मिलेंगे। कुछ गिफ्ट है मुझे, मैं अपनी साइड से बच्चों को देता हूँ। संदीप12 से सब्सक्रिप्शन लेने वालों को 2000 सब्स्टिट्यूशंस की PDF, 2000 idioms की PDF, 1000 एरर, 1000 फ्रेजल ऑफ, 1000 ये, पूरे 8000 क्वेश्चंस की ये नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। जो आप स्टूडेंट्स के एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी सेट से आने वाले हैं। तो भैया जी, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड संदीप12 यूज कीजिए। अब प्रोसेस देख लीजिए, अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोलिए, सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको इंस्टॉल करिए, फिर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करिए। जब आप यहाँ पर नंबर डाल के यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, तो ये तीन लाइन है ना भैया जी, यहाँ पे क्लिक करके SSC एग्जाम्स पे सेलेक्ट कीजिए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइए। इसके बाद 12 मंथ्स मिनिमम, आप 12 मंथ्स के लिए जुड़िएगा, अगर आप 24 मंथ्स के लिए जुड़ते हैं तो 24 महीने
माह के लिए मात्र 1080 एक्स्ट्रा आपका लगेगा, और फायदा होगा पूरे 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा क्लासेस के अलावा। ये 30,000 में मैं तीन चीजें आपको दूंगा, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जो मैं प्रोवाइड करूंगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग। ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है 30,000 की 24 महीने के सब्सक्रिप्शन लेने पे, उन बच्चों को जो रेफरल कोड में केवल संदीप12 लगाएंगे इस जगह पे। तो संदीप12 लगा के अप्लाई के बटन दबाइए, जैसे ही आप अप्लाई करके आगे प्रोसेस बढ़ा के सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपकी डिटेल मेरे पास आ जाएगी, और जो बच्चे संदीप12 से सब्सक्रिप्शन लेंगे उनका उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है, और वो मेरे पर्सनल गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन करते हैं और सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। इसके बाद कंफर्म कर लीजिए अप्लाई हुआ कि नहीं, तो लिख के आएगा संदीप12 रेफरल कोड अप्लाइड, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और अगर नहीं लिख के आया तो अप्लाई की बटन जरूर दबा दीजिएगा फिर से बैक जाके, और उसके बाद देख लीजिए 12 महीने का 5400 ये 6400, तो ये 1080 का अंतर है। प्रोसीड टू पेमेंट करके क्रेडिट डेबिट जिस कार्ड से भी आप चाहें उससे पेमेंट करिए। अगर कोई मंथली पे करना चाहता है तो कहीं से भी किसी का भी क्रेडिट कार्ड हो अपना EMI करवा लीजिए, हर महीने 300-400 रुपए आएगा, 300 रुपए के आसपास आएगा 24 महीने वाला, हर महीने पे करिए 24 महीने तक कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। नेट बैंकिंग भी है, और अगर आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहें तो पेटीएम भी कर सकते हैं। बेस्ट है कि 24 महीना ले लो, 300 रुपया महीना पे करो, इससे बढ़िया सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आपसे मिलते रहेंगे हमेशा। ये सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे मैं आपके लिए ऐसे और भी सेशंस बहुत सारे लेकर आऊंगा। इस सेशन के जैसे ही 1000 लाइक्स होते हैं मैं इसके लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसमें मैं फिर से आपके लिए टॉप 40 सब्स्टिट्यूशंस आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और सब्सक्रिप्शन लेकर फटाफट एकेडमी पे क्लासेस शुरू कीजिए रेफरल कोड संदीप12 लगा के। थैंक यू सो मच।